मुरादाबाद जिले में AIMIM के कार्यकर्ताओं के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमले के बाद आक्रोशित होकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि आज ओवैसी पर हुए हमले के कारण संपूर्ण AIMIM के कार्यकर्ता आक्रोशित दिखाई दिए, जिसके मद्देनजर सिविल लाइन क्षेत्र के कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को मामले में ज्ञापन सौंपा है। ओवैसी साहब के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ओवैसी साहब के हमलावरों को फांसी दो, फांसी दो। ओवैसी साहब के हमलावरों को फांसी दो, फांसी दो। संविधान के दायरे में इंसाफ दो, इंसाफ दो। संविधान के दायरे में इंसाफ दो, इंसाफ दो। संविधान के दायरे में इंसाफ दो। सब लगा लो। हाँ चलो। हाँ। आज सारी पार्टी की तरफ से आप ज्ञापन देने आए हो, किस विषय? देखिए, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला इकाई मुरादाबाद के ने राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है, जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है उसके संबंध में हमने 5 सूत्रीय मांग की है। नंबर एक हमारी मांग है कि जो हथियारे हैं और जो साजिश करता है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई किया, उसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और उन पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए और हमलावरों को जो है फांसी की सजा संविधान के दायरे में रह गए, जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए और फांसी की सजा दी जाए उन लोगों हमलावरों को। ये हमारी मांगे हैं और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए बैरिस्टर साहब को और शौकत अली जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा जल्द से जल्द प्रदान की जाए। अच्छा, ओवैसी साहब चुनाव